रविवार शाम तेज बारिश से महाकाल मंदिर के नंदी मंडप में पानी भराया। आज शाम प्री मानसून के चलते लगातार दूसरे दिन बारिश हुई तथा महाकाल मंदिर परिसर यहां का पानी कार्तिकेय मंडप एवं आपातकालीन गेट के नीचे से बहता हुआ नंदी होल तक पहुंच गया। मंदिर कर्मचारी पाइपर चला चला कर हाफ गए बाल्टियों से पानी उड़ेल कर बाहर निकाला। कल भी बारिश हुई थी, फिर कल पानी क्यों नहीं नंदी होल तक पहुंचा? जब हमने यह जानना चाहा तो बताया गया कि ऊपर मंदिर परिसर के पानी के निकासी के लिए जो व्यवस्था है वहां कहीं कचरा थैली आदि फंसने से चोक हुआ हो तथा पानी ओवरफ्लो होकर आपातकालीन गेट के नीचे से बहता हुआ नंदी होल तक पहुंच गया। वहीं कार्तिकेय मंडप से भी पानी झरने की तरह बहने लगा एवं नंदी होल में जमा होने लगा। कुल मिलाकर जहां आज हुई बारिश से नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। शहर की नाली, बड़े नाले आदि चोक होने से जगह जगह नीचे स्थान पर में पानी भराया। वहीं महाकाल मंदिर परिसर का पानी भी नंदी होल तक पहुंच गया। यहां पर निकासी की पर्याप्त व्यवस्था पर समय रहते ध्यान देना आवश्यक है, अभी पूरा बारिश का सीजन बाकी है। खैर, कुछ वर्ष पहले भी जब शिप्रा नदी उफान पर थी तब महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पानी एकत्रित हो गया था तथा बाबा का जलाभिषेक स्वयं इंद्रदेव द्वारा किया गया हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। तब यह बताया गया था कि कुंड या अन्य जगह से पानी रीस कर किसी तरह यहां पहुंचा, परंतु गर्भगृह में पानी कैसे पहुंचा आज तक कोई उचित वजह सामने नहीं आ पाई। आज नंदी होल में बारिश का पानी पहुँचा तो पुरानी यादें ताजा हो गयी। थोड़े समय के लिए नंदी हॉल के आसपास वाले क्षेत्र में पानी ऊपर से गिरने की एक घटना हुई थी और बहुत गंभीर घटना है। इस संबंध में थोड़ा जानकारी मिली जा रही किस तरीके से स्थिति उत्पन्न हुई। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि जो कुछ बाहर निकलने वाली नालियां हैं उनके चोक होने की वजह से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई थी। निश्चित रूप से बारिश से पूर्व तैयारी में कहीं कहीं कमी प्रतीत होती है। इस संबंध में प्रशासक से रिपोर्ट लेके देखा जाएगा कि किसकी जिम्मेदारी थी, किसके द्वारा ये कार्य नहीं किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो ये भी